उस बात को कभी नहीं भुला सकता है। अध्यक्ष महोदय, 27 सितंबर 2013, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलेटरल टॉक होना था। देश के सम्माननीय नेता थे, हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं? ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं? ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष में भी ऐसे तेजस्वी सांसद है और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, ये चिंता सता रही है। थैंक्स, मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और सही, मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आप कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इतने तुमने 4 लाख बनाए। इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है, ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आपकी की तो देन है। आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी ये 18,000 हमने, हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए